हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल या स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं अध्याय चार, डिटरमिनेंट्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हम आपको 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इस चैप्टर से। जैसे कि देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक अभ्यूह हमें दिया गया है और दर्शाना है, दिखाना है या सिद्ध करना है, एक ही बात है, दिखाइए कि थ्री ए का जो सारणिक होता है वो बराबर होगा 27 इंटू सारणिक ए के बराबर होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल जो है पहली प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक चौथा है, जो कि हमें IMP लग रहा है। इसके बाद देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक का मान हमें कहा गया है 4 ABC के बराबर, सिद्ध कीजिए। ऐसा सवाल जो है पिछली बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी इसी टाइप से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये भी जो है बहुत IMP है, ये उदाहरण 14वां क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी जैसा मिलता जुलता हमने एक और क्वेश्चन रखा है, तीसरा। इसमें सारणिक का मान हमें 4 a² b² c² के बराबर सिद्ध करना है। तो ये क्वेश्चन जो है 4.2 क्या प्रश्न है, 7वां हमने लिखा है, ये भी IMP क्वेश्चन ही। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक का मान हमें दिया गया है और इसका मान हमें सिद्ध करना है कि 3 गुणनखंड a-b, b-c और c-a इक्वल होगा। ये क्वेश्चन भी IMP है। जी 4.2 प्रश्नावली के प्रश्न 8वें का पहला सवाल है, जो कि बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। इसी आधार पे एक और क्वेश्चन हमने लिखा है कि एक सारणिक का मान जो है a-b, b-c, c-a और फिर a+b+c के बराबर होगा इस सारणिक का मान। ये प्रश्न 8वें का जो है दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 8वें का सेकेंड क्वेश्चन ही। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक का मान x-y, y-z, z-x और xyyz, zx के उपफल के बराबर होगा इस सारणिक का मान। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा IMP क्वेश्चन है और ये जो है प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 9वां है। तो देखिए, इस टाइप से एक ना एक क्वेश्चन 100% चांस है कि पूछा ही जाएगा। तो इसलिए हमने इस प्रकार के आपको 5 क्वेश्चन रखे हैं। इन 5 क्वेश्चनों में से एक ना एक क्वेश्चन जो है निश्चित है कि पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के 5ों क्वेश्चन की यदि आप विधि अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपसे बन जाएगा। अब यदि थोड़ी से नंबर चेंज होके भी आ गए तो भी आपसे बन सकता है, बस आप विधि को अच्छे से समझें। इसके बाद अगला 7वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके 3 शीर्ष हमें दिए गए हैं और ये पिछली बार आ चुका है, जो कि प्रश्नावली 4.3 के आगे दिया गया है, उदाहरण 17वां। बहुत ज्यादा IMP पिछली बार भी था, लेकिन इस साल भी आने के चांस हैं। बस थोड़ी सा हम कह सकते हैं यहाँ पे अंक बदल के जरूर आ सकते हैं, लेकिन हमने इसी क्वेश्चन को IMP रखा है। इसकी जगह अंक बदल के भी आ जाए तो वो आपसे बन जाएगा, बस विधि अच्छे से आप कर लेना। इसके बाद देखते हैं 8वां क्वेश्चन, एक अभ्यूह दिया गया है और हमें सत्यापित करना है कि ए एडज्वाइंट ए इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है एडज्वाइंट ए इंटू ए का गुणनफल और इन सब के मान जो है सारणिक ए इंटू आई के बराबर होंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न क्रमांक 4 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। 2 हमें समीकरण दिए गए हैं और कहा जा सकता है इन्हें हल कीजिए या अभ्यूह विधि से हल कीजिए। तो अभ्यूह विधि से हल करने के लिए इस साल क्वेश्चन पक्का है कि आ सकता है। तो यहाँ पे हमने उदाहरण 27वां क्वेश्चन रखा है, बहुत ज्यादा IMP है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित समीकरण निकाय को अभ्यूह विधि से हल करना। 3 समीकरण दिए गए हैं, इसमें हमें 2 समीकरण दिए गए थे। थोड़ी जे ज्यादा सरल होगा, कठिन लेवल पे पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। और ये जो है हमने उदाहरण 28वां रखा है, तो इस प्रकार से जो है अभ्यूह विधि से एक सवाल पूछा जाएगा और दूसरा सवाल जो है सारणिक का मान सिद्ध करना, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो आप इन 10 के 10 क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में आपको विधि सहित समझाएंगे। तो यदि आप 10 के 10 क्वेश्चन सीख लेते हैं तो गारंटी है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लें वो आपसे बन जाएगा। बस मैं आपसे फिर से दोबारा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को ऑफलाइन ना देखें। पिछली बार भी हमने आपसे कहा था, लेकिन बच्चे जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट, तो उनसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वीडियो को ऑनलाइन ही देखें, यूट्यूब पर जाकर
यदि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो जरूर हमारी इस बात को सुने। धन्यवाद।